जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? करवा चौथ को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है। मैं आ गई हूँ आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं करवा चौथ 12 की है, कुछ लोग कह रहे हैं करवा चौथ 13 तारीख को मनाएंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं करवा चौथ 14 तारीख को मनाएंगे। तो ऐसे में वो कौन सा दिन है जिस दिन करवा चौथ हम सबको मिलकर मनानी है? करवा चौथ का त्यौहार इस बार 13 अक्टूबर को पड़ रहा है, यानी कि थर्सडे को पड़ रहा है। क्योंकि तिथियां सुबह के समय बदल रही हैं, इस वजह से कन्फ्यूजन भी बहुत हो रहा है। लेकिन जो चौथ वाली जो तिथि है वो 13 तारीख की है, इसलिए करवा चौथ का त्यौहार हम सभी को 13 तारीख को मिलकर मनाना है। लेकिन अगर अभी भी कन्फ्यूजन लगे तो जब आपका मन बोले आप तब मनाइए। लेकिन मैंने पंडित जी से पूछकर मुहूर्त देखकर मैं ये डेट आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरी एक छोटी सी किसी भी गलत बात की वजह से आप सभी का नुकसान हो। मैं भी करवा चौथ 13 तारीख को ही मनाऊँगी। तो 13 तारीख को जो तिथि है करवा चौथ की, वो बहुत ही बढ़िया और उत्तम तिथि है। और सबसे बड़ी बात, 13 तारीख को इस बार है थर्सडे, और इसी चीज़ को लेकर कुछ लोगों के दिमाग में बहुत बड़े बड़े सवाल आ गए हैं कि मैम, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम थर्सडे को हेड वॉश नहीं करते हैं। अब करवा चौथ वाले दिन जब पूजा पाठ करनी है तो हेड वॉश कैसे करें? तो आज सभी को मैं एक बहुत ही अच्छी पुरानी कहावत बताती हूँ, जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे और आज तक मैंने सुना है हमारी नानी या हमारी मेरी अपनी मदर को भी कई बार मैंने बोलते हुए ये बात सुनी है। क्योंकि जब मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ तो मम्मी भी यही बात मुझे समझाती है, और हमारे जो भी ब्राह्मण पंडित जो भी हैं वो भी हमें यही चीज़ सिखाते हैं कि वार से बड़ा हमेशा त्यौहार होता है। इसलिए आप थर्सडे को करवा चौथ मनाइए और हेड वॉश करके मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या आपत्तिजनक बात नहीं होगी। थर्सडे को करवा चौथ मनाना है। अब करवा चौथ मनाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सारा दिन ऐसे ही काट लेते हैं, सीधा शाम को पूजन करते हैं। लेकिन इसका सही तरीका ये है कि सुबह सुबह आपको नहा धोकर शिव मंदिर, पार्वती मंदिर में जाना चाहिए, जहाँ माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान है, वहाँ जाइए। आप उनको जल से स्नान कराइए, दीप का दान करके आइए, धूप अगरबत्ती जलाइए। वैसे भी कार्तिक का पावन महीना जो चल रहा है, तो दीप दान अगर आप शाम नहीं कर पा रहे तो सुबह करिए, सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम को करिए, लेकिन करिए जरूर। तो सुबह की शुरुआत जो व्रत की करनी है वो माता पार्वती और भोलेनाथ के पूजन से करनी है, और इसके बाद शाम को जो पूजा का मुहूर्त का जो समय है वो है शाम को 6:50 तक का समय है, यानी कि 5:50 से लेकर के 6:50 तक का समय, ये 1 घंटे का समय है जो पूजा के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। अब आज के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको, ये बातें आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा और करवा चौथ वाले दिन मत करिएगा। चूड़ी पहनते पहनते अगर चूड़ी चटक जाए, टूट जाए, तो आज के दिन उसको डस्टबिन में मत फेंकिएगा, क्योंकि आज आपके सुहाग का दिन है। तो सुहाग की कोई भी चीज़ आज के दिन आप सीधा डस्टबिन में मत फेंकिएगा, आप साइड में एक पेपर में रैप करके रख दीजिए। करवा चौथ के अगले दिन आप चाहें तो उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। इसके अलावा आप आज के दिन किसी को भी कोई अगर आपसे मांगता है, जैसे देवरानी जेठानी एक ही घर में रहती हैं और बोलती हैं कि भाई मेरे पास सिंदूर की डब्बी ख़त्म हो गई है, अपना सिंदूर दे दीजिए, तो आज के दिन ये गलती, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी अपने सुहाग की चीज़ दूसरे को नहीं देनी चाहिए, और आज के दिन तो खास तौर से गलती मत करिएगा। अगर वो आपसे मांग भी रही है तो आप उनको बोलिए मैं आपको बाज़ार से नया मंगवा के दे देती हूँ, लेकिन मैं अपना यूज़ किया हुआ आपको नहीं दूंगी। तो ये कुछ बातों का ख्याल आपने करवा चौथ पर ज़रूर रखना है। किसी भी फीमेल की बुराई मत करिए, किसी भी फीमेल को दुख मत पहुँचाइए, क्योंकि सुहाग जब आप लेती हैं तो लेने से पहले आप देती भी हैं। माँ पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं ना, बोलते हैं ना माँ पार्वती सुहाग दे और सुहाग ले। तो जैसा आप अपने लिए चाहती हैं अच्छा, कि आपका सुहाग हमेशा बना रहे, वैसे ही आप दूसरों के लिए भी सोच रखिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आज क्योंकि थर्सडे है तो खास उपाय करवा चौथ के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में मन मुटाव आ रहा है, परेशानी लग रही है, आपसी तालमेल अच्छा नहीं है, तो 5 बेसन के लड्डू लीजिए, 5 पीपल के पत्ते
लीजिए और इन पीपल के पत्तों के ऊपर बेसन के लड्डू रखकर आपने पीपल के पेड़ के समक्ष जाकर के जल चढ़ा के और इन 5 लड्डुओं को आपने पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आ जाना है। ये सुबह बिना टोके सिर्फ इतना करना है आपको। इतना करने से वहाँ हाथ जोड़कर विनती करिए कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो भी मनमुटाव चल रहा है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। और देखिएगा, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ करनी है और इसका परिणाम आपको 1 घंटे के अंदर नज़र आ जाएगा। जय माता दी।